नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मेरी यह वीडियो उन सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कि लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक है या फिर कहीं ना कहीं वो किराएदार भी है। हाल ही में 15 जून सन 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कि याचिकाकर्ता ने किराएदारों के हक में PIL दाखिल कर कोर्ट से यह गुहार लगाई थी कि कोरोना वायरस के रहने तक कोर्ट मकान मालिकों को अपने किराएदारों से किराया ना लेने का आदेश जारी करे और जो किराएदार कोरोना के चलते किराया नहीं दे पा रहे उनसे घर भी खाली ना करवाया जाए। लेकिन एक कहावत है ना कि गए तो थे नमाज पढ़ने लेकिन रोजे गले पड़ गए। कुछ ऐसा ही हुआ उन वकील साहब के साथ भी जिन्होंने कोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर किया था। मेरा आपसे अनुरोध कि माननीय हाई कोर्ट के अदद फैसले की इस पूरी वीडियो को आप आखिरी तलक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगी। फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड टिप्स प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गए तो थे नमाज पढ़ने लेकिन रोजे गले पड़ गए। अभी लगभग सिर्फ एक महीना पहले लॉकडाउन के दौरान 21 मई सन 2020 को ही दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने खान मार्केट में एक जूते के दुकानदार जिसकी की दुकान का मासिक किराया था 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपया, उस दुकानदार के लॉकडाउन वाले समय में किराया माफी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि रेंट एग्रीमेंट के अनुसार अगर उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है तो हम किसी भी तरह के किराए को माफ करने का आदेश नहीं देंगे। इसमें लैंडलॉर्ड चाहे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अर्थात मानवता के आधार पर वह किराया माफ करे या चाहे तो उस अवधि के किराए को आगे के कुछ महीनों तक किस्तों में बांट दे, लेकिन इसके लिए मकान मालिक को किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से लैंडलॉर्ड ऐसे भी हैं जिनकी आजीविका का साधन ही किराया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को आए अभी एक माह भी ना बीता था कि गौरव जैन नाम के एक लॉयर ने फिर से इसी तरह की एक PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दी। इसमें भी वही बात कही गई थी कि लॉकडाउन के दौरान किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए। उस याचिका पर अभी हाल ही में 15 जून सन 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान ने उस PIL पर डिसीजन दिया। जज साहब ने यह कहते हुए उस केस को खारिज कर दिया कि यह दो पार्टियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हाँ, यदि लैंडलॉर्ड चाहे तो वह खुद इसे माफ कर सकता है लेकिन हम नहीं। जज साहब ने यह कहते हुए उस केस को खारिज किया कि लैंडलॉर्ड भी कहीं किराएदार के किराए पर ही डिपेंड हो सकता है। जज साहब ने आर्ग्यूमेंट के दौरान लॉयर गौरव जैन को कई बार समझाया कि इस केस का बेस हमें ठीक नहीं लग रहा, कृपया आप आर्ग्यूमेंट को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन लॉयर फिर भी लगातार आर्ग्यूमेंट करता रहा। जजेस के बार बार समझाने पर भी जब वह आर्ग्यूमेंट करने से बाज नहीं आया तो जज साहब ने लॉयर पर 10,000 रुपए की पेनल्टी कॉस्ट यह कहते हुए लगा दी कि आपने इस केस को दाखिल करके कोर्ट का समय खराब किया और यह पेनल्टी का 10,000 रुपया COVID-19 मेंटेन रिलीफ फंड में जमा कराया जाएगा। इससे लॉयर को हासिल तो कुछ नहीं हुआ बल्कि 10,000 रुपए की पेनल्टी और अलग से लग गई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि गए तो थे नमाज पढ़ने लेकिन रोजे गले पड़ गए। दरअसल इस तरह की शुरुआत हुई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी के उस बयान से जिसमें उन्होंने 29 मार्च सन 2020 को अपने एक संदेश में कहा था कि लैंडलॉर्ड कृपया अपने उन किराएदारों से 2 महीने का रेंट ना ले जिनके पास इस महामारी के संकट काल में धन की कमी है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी यह बयान आया कि व्यापारी वर्ग कृपया इस संकट के समय में अपने वर्कर्स की तनख्वाह ना काटें। असल में सरकार का इस दोनों तरह के बयान देने का मकसद सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अर्थात मानवीय आधार पर ही था, लेकिन
इसे सरकार का आदेश समझ कुछ मकान मालिकों और किराएदारों में आपसी मतभेद हो गए। दोस्तों, बाजार में इस समय व्यापार बहुत मंदा है या तो जग जाहिर है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी प्रॉपर्टी का किराया कम हो या ज्यादा, इसके आकलन का कोई एक स्टीक फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। यह तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया पर, प्रॉपर्टी के साइज, उसकी लोकेशन और लेने देने वाले की नीड पर, उनकी आवश्यकताओं के साथ साथ उनकी प्राथमिकताओं पर। सीधी सीधी सी बात तो यह है कि चाहे किराए का मकान हो या किराए की दुकान, शोरूम या फिर फैक्ट्री, अगर किराएदार को उतने रुपए में वारा खाता हो तो ठीक, वरना वो वैसे ही उस जगह को खाली कर देगा। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इसमें कोर्ट क्या और क्यों हस्तक्षेप करे। यह तो सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई का मामला है साहब। अगर किसी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी की लोकेशन ठीक होगी, बढ़िया होगी, तो वो किराया कम क्यों करेगा भला? उसकी जगह आज नहीं तो कल फिर से आसानी से किराए पर लग जाएगी। और यदि लोकेशन अच्छी नहीं है, फिर से उस जगह को किराए पर लगाने में दिक्कत है या फिर से किराए पर लगाने में समय लग सकता है, तो लैंडलॉर्ड इस सब बातों को मद्देनजर रख किराया कम भी कर सकता है, उसे किराए की किस्तों में बांध सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। दोस्तों, मेरी नजर से अगर इसे देखा जाए तो किराएदार इस संकट के दौर में सहानुभूति का पात्र तो है, पर यह सब बातें तो हर इंसान के अपने विवेक पर निर्भर करती है ना। लेकिन यह जरूर है कि सरकार के इन मानवीय आधार पर दिए गए बयानात और कोरोना काल के इस मंदे को लेकर बहुत से लैंडलॉर्ड्स और किराएदारों के बीच तनाव, आपसी मनमुटाव, खासतौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं जगह पर तो कहा सुनी और झगड़े के कुछ मामले भी सामने आने लगे। उसी का एक नतीजा है कि अब व्यापारियों के एक संगठन CTI अर्थात चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा अभी हाल ही में किराएदारों और लैंडलॉर्ड्स दोनों के बीच किसी भी तरह के विवादों को सुलझाने के लिए एक 11 सदस्यीय किराया समन्वय कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्रों अर्थात कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही किराया संबंधी दिक्कतों का मानवीय आधार पर समाधान करने के लिए एक मीडिएटर का काम करेगी। जिस बाजार से कोई शिकायत आएगी, उस बाजार की एसोसिएशन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की सकारात्मक सोच से बनाई गई कमेटी से ही व्यापारियों के दिक्कतों को सही मायने में उनका समाधान किया जा सकता है, ना कि कोर्ट से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार आप जरूर लिखिएगा। और हाँ, जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स को तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें शुक्रिया कहता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी सभी नई ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही रियल एस्टेट को ही लेकर किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।